नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी में ऑडियो सेक्शन के बारे में। साउंड सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे टीवी में वीडियो आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आता है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चाइनीज़ किट में ये प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है। तो देखिए, ये जो आप टीवी देख रहे हैं इस पर वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, पिछला वीडियो इसी कैबिनेट के ऊपर था। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑडियो नहीं आ रहा है, तो इसका ऑल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पे नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए, टीवी का वॉल्यूम 94 या 100% है, और सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम भी देखिए 100% ई हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें आवाज़ आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, ये चाइनीज़ बोर्ड है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें स्पीकर को चेक करना चाहिए, स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, या स्पीकर के वायर या स्पीकर को चेक करना है। और ऑडियो की प्रॉब्लम हमारे सेटअप बॉक्स से भी आती है, सेटअप बॉक्स को भी किसी दूसरे टीवी में लगा करके चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्पीकर ओके है, और जो ऑडियो सेक्शन के लिए इसमें दिया हुआ है, ये स्पीकर के सॉकेट मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं, और ये आईसी हमने बार बार चेंज की उसके बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है, या बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमें इसके वोल्टेज चेक करने हैं, ऑडियो आईसी पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑडियो आईसी है, इसके ऊपर वोल्टेज हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर देखिए 17 वोल्ट आ रहे हैं, और हमारा आईसी के ऊपर भी 17 वोल्ट के करीब आ रहा है, आवाज़ फिर भी नहीं आ रही है। और यहाँ पर ऑडियो का सिग्नल भी आपको चेक करना है, तो इसकी एक नंबर पिन पर ऑडियो सिग्नल आता है, तो यहाँ पर सिग्नल अगर नहीं आ रहा है, और हमने कई बार आईसी को चेंज किया, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आपको यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं दो, इन ट्रांजिस्टर को निकाल देना है सर्किट बोर्ड से, क्योंकि म्यूट के लिए ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इनको निकाल देने से हमारा आवाज़ आ जाता है। अब यहाँ पर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें ये आईसी लगा है, और ये आईसी काफ़ी हीट हो रहा है, ये मैंने पहले चेंज किया था, इसके बाद दूसरा आईसी लगा दिया, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो इस आईसी को हम निकाल लेंगे, ये देखिए इस आईसी इसमें लगा हुआ था, मैंने निकाल दिया है। इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, TDA 2003, ये वाला आईसी इसमें लगा है। सब में अलग अलग आईसी भी मिल सकता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये वाला बोर्ड इसमें लगाना है। ये 6230 आईसी का ऑडियो बोर्ड है छोटा सा, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, और अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आपके सेटअप बॉक्स जो ख़राब सेटअप बॉक्स हैं डीडी फ्रिड्स के, उनमें भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये वाला बोर्ड आप लगा सकते हैं। तो इस पर ओनली 5 ही वायर हमें लगाने हैं, 2 पॉजिटिव नेगेटिव के, 2 स्पीकर के, और 1 ऑडियो सिग्नल का। और इसकी वायरिंग कैसी करनी है इस ऑडियो बोर्ड की, अगर आप नहीं जानते हो तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये इसके वायर कनेक्ट कर दिए हैं, ये वाला बोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा, या आपके पुराने सेटअप बॉक्स में से भी निकाल करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप, रेड और ब्लैक वायर पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई की, और ये येलो वायर स्पीकर के लिए, और यहाँ पर हम हमारे टीवी के बोर्ड में इन वायरों को कनेक्ट करेंगे। और इसी हीट सिंक जो टीवी में लगा हुआ है, इसी हीट सिंक पे इसे लगा देंगे। अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो हमारा ये ऑडियो आईसी में लगा हुआ आईसी 6230 आईसी ख़राब हो सकता है गर्म हो करके। तो देखिए, ये वायर इसके, ये रेड और ब्लैक वायर पॉजिटिव नेगेटिव के,
और ये येलो वायर स्पीकर के लिए, ये दोनों वायर स्पीकर के, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और एक वायर ऑडियो सिग्नल का। तो इन वायरों का हम लगा देंगे जो 16 वोल्ट आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगी है जो 16 वोल्ट की सप्लाई दे रही है, और हमारा ऑडियो बोर्ड 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, तो यहाँ पर 4 वोल्ट इस ऑडियो बोर्ड को ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा करके दूसरा रेजिस्टेंस लगाना है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम 2 ओम के करीब रहती है अलग अलग बोर्ड में। तो इस रेजिस्टेंस को हम निकाल लेंगे और इसकी जगह पर दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि 16 वोल्ट अगर हमारे ऑडियो बोर्ड को जाएंगे तो हमारा ऑडियो आईसी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए हमें, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। ये अभी इसमें लगा हुआ था वो 1 ओम का था, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमारे टीवी के ऑडियो सेक्शन में आने वाली सप्लाई 16 वोल्ट के करीब होती है, और हमारा जो हमने ये बोर्ड लगाया ये 12 वोल्ट से काम करता है। तो 4-5 वोल्ट इसको ज़्यादा मिलेंगे तो हमारी ये आईसी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें चेंज कर देना है थोड़ा सा, ताकि इसको वोल्टेज कम मिले और ये ख़राब ना हो। इसके बाद हम इस वायरों को यहाँ पर लगा देंगे, और ये स्पीकर का वायर है, तो स्पीकर के वायर जहाँ पे हमें स्पीकर के सॉकेट लगे हैं वहाँ पे लगा देना है, यहीं पर। यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा है, इस कैपेसिटर पर लगा देंगे, और ये दूसरा एक वायर बचा है, ये ब्लैक वाला वायर ग्राउंड से लगा देंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ऑडियो मिलेगी हमें, क्योंकि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव सप्लाई मिल चुकी है ऑडियो बोर्ड को। लेकिन हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये है ऑडियो सिग्नल का। तो इस ऑडियो सिग्नल वाले वायर को कहाँ पर लगाना है, ये देखिए, ये एक ही वायर बचा है। तो इस वायर को जो हमारे टीवी की आईसी है उसकी एक नंबर पिन पर ऑडियो सिग्नल इनपुट है, तो इसमें आईसी लगी हुई थी वो यही यहाँ पर, तो एक नंबर पिन पर इसे लगाना है, क्योंकि यहीं से हमें ऑडियो सिग्नल मेन आईसी पर जाता है। यह है इसकी ऑडियो पिन एक नंबर, तो इसके आगे ये यहाँ से लाइन जा रही है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर या लगा है, और यहाँ से लाइन जा रही सीधी, और ये लाइन हमारी जो मेन आईसी है उस पर जाती है, और इस मेन आईसी की 29 नंबर पिन पे जाती है, ये देख सकते हैं आप। इसकी मेन आईसी, इसकी 29 नंबर पिन ऑडियो आउट के लिए है, तो इस पर हमें कनेक्ट करना है। देखिए आप, तो 29 नंबर पिन पर हमें लगाने से हमारा जो टीवी का वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं रिमोट से। तो यहीं पर हमें इसे वायर को लगाना है, और 29 नंबर पिन पर लगाने के बाद भी अगर आवाज़ नहीं आती है तो हमें इस वायर को यहाँ से इकट्ठा करके, ये देखिए 29 नंबर पिन पर लाइन जा रही है, और 29 पिन पे लगाने पे आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पर जो ऑडियो वीडियो का सॉकेट लगा है यहाँ पर भी हम इस वायर को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगाने के बाद में हमारे टीवी का रिमोट से वॉल्यूम अप डाउन नहीं होगा, ओनली सेट ऑफ बॉक्स से ही वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 29 नंबर पिन पे लगाने से हम टीवी के रिमोट से भी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया है, और अब हम इसके स्पीकर के वायर जो सॉकेट हमने निकाले थे वो फिर से लगा करके चेक करके देखते हैं। दोस्तों ये अगर आवाज़ नहीं आती है तो लास्ट ऑप्शन है ये ऑडियो बोर्ड लगाना। पहले तो बोर्ड को ही देखना है, बोर्ड में जो फॉल्ट उसी को रिपेयर करना है। अगर नहीं आती है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं।
तो देखिए ये हमारी आवाज़ आ चुकी है, तो देखिए ये टीवी में आती है आवाज़। आपको मैं दिखाता हूँ इधर, ये देखिए आवाज़, और आवाज़ हम रिमोट से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको रिमोट से वॉल्यूम कम करके दिखा रहा हूँ, देखना इससे हमारा वॉल्यूम अप डाउन होगा। ये देखिए, और बहुत ही अच्छी आवाज़ हमें इस ऑडियो बोर्ड से मिल जाती है, और हमारे सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से भी हम वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, और इस ऑडियो सिग्नल के वायर को हम ऑडियो वीडियो के जो सॉकेट ऊपर लगा है उस पर लगाएंगे तो हमारे टीवी से वॉल्यूम अप डाउन हम नहीं कर सकते हैं, ओनली सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से ही वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 29 नंबर पिन पर लगाने पर इस तरह से वॉल्यूम अप डाउन रिमोट से टीवी के से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक